हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी यदि आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे और वो मैसेज कुछ देर में वो डिलीट कर देता है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो उस मैसेज को आप कैसे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल एक नया तरीका मैं बताऊंगा यहाँ पे ट्रिक्स के साथ, और मैं इस तरीके से मुंह से नहीं बताऊंगा, आपको लेकर के चलूंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको व्हाट्सएप पे करके लाइव ग्रुप के साथ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जो भी चीज बताता हूँ लाइव के साथ बताता हूँ, करके बताता हूँ, ताकि आप एक बार में सीख जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे और सीखते हैं कि व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज डिलीट हुआ है उसको हम लोग कैसे रिकवर। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप पे जाता हूँ, तो देख सकते हैं मेरे फोन पे दो व्हाट्सएप इंस्टॉल है एक ही मोबाइल के अंदर। यदि आपको इस वाली ट्रिक चाहिए कि एक फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप कैसे चलाएंगे, तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना एक व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, यहाँ से चलिए मेरा जो दूसरा जो व्हाट्सएप है उस पर कुछ मैसेज करता हूँ हाई करके, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ मैसेज को यहाँ से डिलीट। देखिए 9:39 में मेरे मैसेज चला गया, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब जाता हूँ मैं अपना व्हाट्सएप पे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज था दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो यही मैसेज हम लोग कैसे पढ़ेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन के अंदर जहाँ भी हो गूगल प्ले स्टोर उसको ओपन करेंगे। मेरा देख सकते हैं यहाँ पे है प्ले स्टोर, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो आपके फ़ोन के अंदर जहाँ भी हो गूगल प्ले स्टोर आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आपको लिखना है WMAR, ठीक है। क्या लिखना है? WMAR, और इसको कर देना है आपको सर्च। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ सर्च। उसके बाद जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक WAM रिकवर डिलीट करके एक ऐप आएगा जिसको आपको करना है इंस्टॉल। तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैंने दूसरा व्हाट्सएप से अपने पहले वाले व्हाट्सएप में मैसेज किया और मैसेज को डिलीट कर दिया। तो वहाँ पे लिखा रहा दिस मैसेज वाज डिलीटेड, मैंने नहीं पढ़ पाया। तो उसी मैसेज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिस एप्लीकेशन का नाम है WAMR। अब देख सकते हैं ये अभी जो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करने के लिए, ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ओपन करके क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर देना है वह मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ओपन का बटन दिख रहा होगा, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है इस चीज़ को एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, व्हाट्सएप पे कर देना है आपको टिक, ठीक है। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। मैसेंजर में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके मैसेंजर में कोई मैसेज भेजता है और वो डिलीट कर देता है, तो आप यहाँ से इसको भी टिक करके रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप का। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप वाले पे टिक कर देना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद इस तरीके से और आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मल्टीमीडिया फाइल्स है इसको कर देना इनेबल, और नोटिफिकेशन रीडर को भी कर देना इनेबल। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, अलाउ, इसको भी कर देता हूँ इनेबल। तो इस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ आएंगे, WAMR जो ऑफ है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसमें बैक आना है, इसके बाद डायरेक्ट साइन इन कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ जब इंस्टॉल हो जाएगा तो चलिए अब मैं फिर से आपको एक मैसेज भेज करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए मेरा जो है इस नंबर पर मैं एक मैसेज करता हूँ। चलिए मैं हाय अजय लिख करके मैसेज करता हूँ, ठीक है। उस नंबर पे मैंने मैसेज किया, अब मैसेज चला भी गया, ठीक है। अब मैं मैसेज को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डिलीट मैसेज, डिलीट एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे देखने के बाद जाने के बाद देख सकते हैं मैंने जो मैसेज भेजा था वो कम्प्लीटली यहाँ से फिर से डिलीट हो गया। 9:42 पर जो मैंने मैसेज भेजा था, अभी टाइम देख सकते हैं 9:42 हो रहा है लाइव टाइम। तो इसी मैसेज को अब हम आपको पढ़ कर दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो WAMR एप्लीकेशन उसको खोलना पड़ेगा, उसको ओपन करेंगे तो देख सकते हैं जो मैंने मैसेज डिलीट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, लिखा आया हुआ है हाय अजय 9:42 में। तो इस टाइप से जो है आप मैसेज को पढ़ सकते हैं, डिलीट मैसेज को। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर इस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।